अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? फिट फाट हैं? मज़े में हैं? आज का जो कॉइन है बड़ा ही ज़बरदस्त है, बड़ा ही मज़े का है, और जो काफ़ी आजकल फेमस ट्रेंडिंग में चल रहा है, यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, अल अमारातुल अरबियातुल मुत्तहदा। तो देखते हैं जी क्या सीन है इसका। जो कंट्री है मैंने बता दिया है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, और जो कॉइन है वो फाइव फिल्स है, अरेबिक में इसको फाइव फ्लूस कहते हैं, और जो करेंसी है वो दरहम है। तो डिज़ाइन की तरफ चलते हैं। जो डेट है पुराना है, 90s का है, 1973 का, और जो 1393 का। तो देखें, राउंड है, सिंपल राउंड, उसके बाद अरेबिक टेक्स्ट है, नीचे इंग्लिश टेक्स्ट, और फाइव फ्लूस मीन्स फाइव फिल्स। बड़ा ही सिंपल सा डिज़ाइन है, इंग्लिश है, अरेबिक देखने को मिलेगी, इंग्लिश देखने को मिलेगी, और कोई इस डिज़ाइन या कुछ भी ऐड नहीं किया गया, सिंपल टेक्स्ट या लेटरिंग ही देखने को मिल रही है। इंग्लिश में यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, और जो इसकी अरेबिक जो है वो है अल अमारातुल अरबियातुल मुत्तहदा। इसकी जो अरेबिक है उसके नीचे ही इन्होंने ट्रांसलेशन इंग्लिश में कर दी है, जो कि एक अच्छी बात है। वो ऊपर फाइव फ्लूस यानी कि पांच फिल्स लेंगे। इतनी सी बात थी, ये जो था हमारा डिज़ाइन फ्रंट साइड, तो बड़ा सिंपल और इजी 90s का। तो दूसरी साइड पर चलते हैं। नहीं जी, एक फिश, एक मछली जो है, कुछ स्पेशल सी फिश जो ब्रीड है वो हमें देखने को मिल रही है। तो चलते हैं डिज़ाइन की तरफ अपने। ये देखें, सिंपल जो सर्कल है वो हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद ये अरेबिक लेटरिंग में कुछ लिखा हुआ है, और इस दफ़ा जो डेट है वो भी अरेबिक ही देखने को मिल रही है। कोई जो टेक्स्ट जो है वो इंग्लिश में या वो लैटिन में हमें देखने को नहीं मिलता। डेट की बात करते हैं, जो ईयर्स हैं वो है, मैंने जैसे पहले बताया कि 1973 ये इंग्लिश कैलेंडर की जो डेट है, और ये वाली जो है 1393 जो इस्लामिक जो डेट है, इस्लामिक हिजरी कैलेंडर के हिसाब से। तो मैं फिर बताता चलूं कि ये एक इस्लामिक कॉइन है, जैसा कि मैं पहले बताता हूं, तो इसलिए इस्लामिक कंट्री का कॉइन है, तो इसमें इंग्लिश और इस्लामिक दोनों डेट लिखी जाती है। अच्छा जी, उसके बाद ये अरेबिक है। अगर अरेबिक की बात करते हैं तो ये लिखा हुआ जी लताफतुल जार तअली अल मजीद मन अल अज़ा लिल बशर। तो इसकी जो ट्रांसलेशन है, क्लीनर सीज मैन मोर फूड फॉर ह्यूमंस, मतलब साफ समंदर जितना होगा उतना ही ज़्यादा खाना होगा इंसानों के लिए। तो ये जो है इसकी जो ट्रांसलेशन जो बनती है। उसके बाद बात करते हैं, ये एक बड़ी ज़बरदस्त एंटीक सी जो फिश है हमें नज़र आ रही है, अच्छी इंग्रेविंग की हुई है, डिफरेंट टच है, मुझे तो डिफरेंट लगी है फिश जो है। लेद्रस न्यूबुलस इस स्पीशीज़ का कोई नाम है, एम्पायर फिश इसको जो है वो कहा जाता है, और भी इसके नाम है, सैन स्पैनग्लेट एम्पायर, ग्रीन स्नैपर, और इस तरह के इसके जो काफ़ी नाम है जो हैं, सैंड स्नैपर, सैंड ब्रीम, स्वीट लिप, इस तरह इसके जो काफ़ी नाम पाए जाते हैं। इसको जो है वो इस टाइम जो यूएई को, अल अमारात को जो प्रोमिनेंट जो नॉमिनेट कर रही है। तो ये था जी हमारा जो फाइव फिल्स का दुबई का यूएई का कॉइन। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा, एक ज़बरदस्त गोल्ड कॉइन था। और साइड पे चलते जाएं तो कुछ ख़ास नहीं, सिंपल जो है वह है, कोई रेटेड वगैरह नहीं है, सिंपल है। तो दुआओं में याद रखें जी, अपना ख्याल रखें,
ताकि इस तरह की और एंटीक डिफरेंट कॉइन जो है मैं आपके लिए लाता रहूँ, आपसे शेयर करता रहूँ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।